हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ की जो गणित है, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी के जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो हम करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। हर हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की वहां पर नहीं है? तो बेटा एमसीक्यू के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज, उसमें मैंने ढेर सारे एमसीक्यूज करा रखे हैं। यहाँ तो दो चार क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने, ठीक है, वो लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माध्य होता है, बहुलक भी होता है, माध्यिका भी होती है, कौन नहीं होती है? मानक विचलन नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, तो इनमें से सही संबंध बताना कि कौन सा है। एक बारंबारता बंटन में माध्य और माध्यिका बहुलक के बीच सही संबंध कौन सा होता है? तो जो बहुलक होता है ना, वो माध्यिका का 3 गुना और उसमें से 2 माध्य घटाने पर होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, यदि इन संख्याओं का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बेटा समांतर माध्य में क्या होता है? समांतर माध्य में होता है जितनी भी संख्या है ना, उन सभी को आप जोड़ दो। जोड़ने के बाद कितनी संख्या है, 7 संख्याएं थी। अच्छा, 35, 40, 40 भी हैं यहाँ पर, ठीक है। कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास, 7 संख्याएं है ना। तो हमें क्या कर देना है बच्चों, 7 से भाग दे देना है। इन संख्याओं का समांतर माध्य हमें 21 ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ो, इन सबको जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 125, और ये प्लस में आर, बट्टे में 7, 7 बट्टे में के गुणे में लग जाएगा, ये हो जाएगा 147। प्लस का इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, अरे यार बराबर आर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो आर का मान कितना होगा बच्चों, 22 होगा। ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं, 1 नंबर में है ना, या फिर 2 नंबर में भी आ सकते हैं। कह रहे हैं 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। इसमें सिर्फ x दे रखा है ना, तो अब क्या करना है, 1 से लेकर 9 तो जोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। बट्टे में कितना आ जाएगा, 9। 1 से 9 तक की संख्याओं का जोड़ोगे तो 45 मिटेगा, बट्टे में 9 है, 9 × 5 = 45, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 1 नंबर पे पूछा जाता है, बहुलक वर्ग क्या होता है। ये जो बारंबारता देख रहे हैं ना, ये एफ का कॉलम है, तो सबसे बड़ी बारंबारता आपको ढूंढनी है। ये क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बारंबारता को बेसिकली हम कहते क्या है, हम F1 कहते हैं, और इसके ऊपर वाला ये जो कॉलम है, इसे कहा जाता है बहुलक वर्ग। इसे क्या कहा जाता है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारे पास क्या है, 12 से 16, ठीक है। और ये जो 12 है, ये है निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। और ये 16 क्या है, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, हमसे सिर्फ बहुलक वर्ग पूछा था वो हमने बता दिया, बहुलक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना मिसप्रिंट है, ठीक है। 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है कि एक कारखाने में 50 कर्मियों की धनी का आपको दे रखी है इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है ना, कि जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है और बहुलक वर्ग की जो उच्च सीमा है, ठीक है, वो क्या है वो बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, ये बहुलक वर्ग है, F1 है। तो चूंकि हमारे पास बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग हमारे पास 160 से 180 होगा, ठीक है, 180 है, यहाँ 80 होगा।
तो ये हमारी क्या है बेटा, निम्न सीमा, हमसे निम्न सीमा पूछा है। निम्न सीमा हमारी 160 होगी और उच्च सीमा कितनी होगी, 180। एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। समांतर माध्य ज्ञात करने के, अगर देखो बारंबारता छोटी छोटी है, x का मान छोटा छोटा है, तो सबसे आसान विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बारंबारता का जो मान है 20 से कम है और x जो आपका x आएगा वर्ग चिन्ह वो भी कम ही आएगा। तो देखो बेटा हम पहले टेबल बना लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा मेथड लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर वर्गंतराल आ जाएगा, यहाँ पर बारंबारता आ जाएगी, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर fx का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। मैं फटाफट मैंने लाइनिंग कर दी, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बेटा वर्गंतराल, ठीक है। यहाँ पर मेरी बारंबारता, यहाँ x निकालना है, अगला कॉलम में fx निकालूंगा। देखो वर्गंतराल क्या दे रखा है बच्चों, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40। सो देखो f हमें दे रखा है इसके 8, यह है 12, यह है 10, यह है 11 और यह है 9। x निकालते कैसे, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर देते हैं, 10 का आधा करोगे 5 आ जाएगा, सब में 10 का अंतर है, 10 10 जोड़ते जाओ, 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, हाँ 25, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब आपको क्या करना है, f और x की क्या करनी है, गुणा करनी है, तो गुणा करेंगे 8 5 40, 15 को 12 से गुणा करेंगे 180, 25 को ये 250 आ जाएगा, 35 1 + 35 ये आ जाएगा 385, ठीक है। अगला लास्ट में क्या बच रहा है, 45 × 9 ये होता है 405, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1260, ठीक है। और इन सबको जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा आपको 50। ये क्या है बच्चों हमारा, ये है सिग्मा एफ और ये हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स। हमने किस विधि से निकाला है, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य, ठीक है। सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, 1260 / 50, 0 से 0 काटा, 5 से भाग दो, 5 × 10, 2 + 5 = 25, 5 × 10, ठीक है ना। सो आंसर आ जाएगा 25.2। कोई दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। देखो गाइस मैंने सब कुछ ना ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सब कुछ बता रखा है, एक बार मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा NCERT बहुत ज़रूरी है, ठीक है, NCERT बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, गणित विषय की परीक्षा में 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, ठीक है, प्राप्तों की माध्यिका ज्ञात करनी है। अंक दे रखे, सिर्फ एक्स दे रखा है वेरिएबल्स, तो आपको माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। कहीं पे कोई भी डाउट हो बेटा वीडियो को एक बार प्लीज दोबारा जरूर देखना है, ऐसे हार नहीं माननी है, ओके। आरोही क्रम में लिख दीजिए इसको, तो सबसे छोटा ढूंढो, सबसे छोटा क्या है इसमें, 8, ठीक है। 8 के बाद क्या है बेटा, 8 के बाद आ जाएगा 14, फिर है 15, फिर है 17, फिर है 19, फिर है 20, 20 कहाँ से आ गया, 20 भी है, ठीक है, फिर है 34, फिर है 35 और फिर है 35 के बाद 38 भी तो है, 38 और फिर है आपका 45, ठीक है। ये हमारे आरोही क्रम में लिख दिया हमने, कितने पद हैं टोटल इसमें, पद गिनो, ऐसे बेसिकली बीच बीच वाला पद होता है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 पद है। तो n बराबर क्या है, 10 है, जो कि सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। जब भी सम संख्या आएगा ना, n जब भी सम आएगा, तो आपको क्या करना है,
आपको दो पद लेना है माध्यक निकालने के लिए, ठीक है। 10/2 पद लेना है प्लस, और 10/2 में प्लस 1 एक जोड़ देना है। विषम आएगा तो सीधा डायरेक्ट ले लो, विषम आएगा ना तो इधर जितने पद होंगे उधर भी उतने पद होंगे, बीच वाला में तुम्हें आराम से मिल जाएगा। तो ये 5वां पद लेना है और 5 और 1 6 पद लेना है सीरियल वाइज, ये 4वां 5वां 5वां पद और 6 पद। तो माध्यक क्या होगा, 19 और 20, इन दोनों को जोड़ोगे और उसका आधा कर दोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 39/2 काटो, 2 कम 2, 2 9 18 2 5 10, तो आंसर आएगा 19.5, ठीक है। अगर विषम संख्या होता ना सीधा 1/2 पद, ये सब नहीं करना है, ये कब करना है जब सम होगा। अगर एक पद कम होता तो 1/2 पद आता है, यानी कि अगर 9 पद होता ना तो सीधा आंसर पता है कौन सा आता, 19 आता, इधर 4 पद और इधर 4 पद, खत्म कहानी, तो ऐसे हो जाता। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, प्रश्न संख्या 9 है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहे हैं कि पहले तो बारंबार था, देखो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, मतलब वर्ग अंतराल सही है और बारंबार तभी हमें दे रखी है F, तो हमें एक कॉलम बनाना है, ठीक है, बनाते हैं कॉलम। पहले क्या होगा वर्ग अंतराल, फिर आपकी होगी बारंबारता, और फिर आपकी क्या होगी संचयी बारंबारता, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो बेटा यहाँ पर हमारा क्या होगा वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता और यहाँ पर आपका संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है बच्चों, 10 से 25, फिर यहाँ पर क्या है 25 से 40, फिर क्या है 40 से 55, फिर क्या है 55 से 70, फिर क्या है 70 से 85। वर्ग ये बारंबारता क्या दे रखा है 3, 10, 20, 13, 4। संचयी बारंबारता ये वाला कैसा है, पहला वाला वैसा का वैसा, ये आपका आ जाएगा 13, 13 में 20 जोड़ेंगे 33, 33 में 13 जोड़ेंगे तो 46, 46 में 4 जोड़ेंगे तो 50। इन सब को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 50, यहाँ 50 है तो यहाँ पे भी 50 आया है, यानी कि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ये जो सिग्मा एफ है ना, माध्यिका या माध्यक में से एन कहा जाता है। अब आपको क्या करना होता है बेटा, 1/2 निकालना होता है, 1/2, ठीक है ना, 1/2 देखना होता है, यानी कि 50/2 यानी कि 25 आ जाएगा। 25 से ज़्यादा कहाँ ढूंढना होता है आपको, सी एफ में पहली बार जो ज़्यादा आता है, 25 से ज़्यादा 33, वैसे ये भी ज़्यादा है ये भी ज़्यादा, लेकिन पहली बार ज़्यादा मिला हमें, तीसरी लाइन में मिला है, ठीक है, ये तीसरी लाइन में मिला है। तो बेटा हमारे पास क्या है ना, इसे क्या क्या जाता है, इसे कहा जाता है माध्यक वर्ग, एग्जाम में आ सकता है, जैसे बहुलक वर्ग था ना ऐसे ये माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग है हमारे पास 40 से 55, ठीक है। तो ये यहाँ से मुझे एल कितना मिला 40, ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा। एच कितने का अंतर है इनमें, 15 का अंतर है, ठीक है। फिर देखो बेटा मुझे यहाँ मिला था एफ, एफ ये एफ होता है, एफ के कॉलम में है ये, और जहाँ से आपने ढूंढा था उसके जस्ट ऊपर वाला ये वाला जो होता है बेटो, ये होता है सी एफ, क्लियर, सब कुछ मिल गया। अब सूत्र में आ जाओ, अब क्या बेटा माध्यक बराबर, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, सूत्र होता है एल प्लस 1/2 माइनस का सी एफ गुणा एच 1/F, ओके। तो एल का मान हमारे पास क्या है बच्चों, एल का मान है 40, 1/2 का मान है 25, सी एफ का मान है 13, एच का मान है हमारे पास 15 और एफ का मान है 20, कोई दिक्कत नहीं, हल करते हैं, ये आ जाएगा 12, ये बचेगा 1/20, काटो 5 3 15, 5 4 20, 4 3 12, 3 3 9, आंसर आ जाएगा 49, ठीक है। तो हमारा आंसर हमें कितना मिल गया, 49। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। मैं बार 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 बोल रहा हूँ बेटा, आपके लिए NCERT बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है।
कि समांतर माध्य आपको 25 दे रखा है इसका, तो ये जो P है ना आपका, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखो बेटा क्या होगा, वर्गंतराल वैसे तो माध्य में फर्क नहीं पड़ता फिर भी, लेकिन आसान है, 10 पे खत्म और 10 से शुरू हो रहे हैं और सब में अंतर समान है, तो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो गई, और सबके मान छोटे छोटे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि ही लगाना है, बाकी दूसरा विधि मत लगाना, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से करेंगे हम, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ विधि जो हम लगा रहे हैं वो है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि हम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, हमारे इधर बच्चों बहुत ठंड हो रही है, हाथ वाथ काम नहीं कर रहे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप आ रहा क्या आता है बेटा, वर्गंतराल, फिर बारंबार, तो फिर एक्स, फिर आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। वर्गंतराल लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। एफ का मान क्या है बच्चों, 5, 18, 15, पी और 6। एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर दो, 5 दोनों को जोड़ आधा करो, 30 का आधा 15, वैसे सब में 10-10 का अंतर है, 10-10 जोड़ते जाओ, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है एफ और एक्स की, पाप बचे 25, 15 गुणे 18, 270, 25 गुणा 15, 375, 35 पी और 45 गुणा 6 ये होता है 270, ये संख्या है, ये संख्या है, इन सभी संख्याओं को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे 940 मिलेगा प्लस 35 पी, क्योंकि ये संख्या है, ये अचर है, ये चर है, चर और अचर जुड़ते नहीं है, ठीक है। और फिर मुझे सिग्मा एफ चाहिए होता है, इन सबको जोड़ो, 5, 18, 5 और 15, 20, ठीक है, 26, 26 और ये 15 कितना हो जाएगा, 44 प्लस पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें दे रखा है माध्य, क्या दिया है बेटा, माध्य क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 25, और माध्य का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, यही होता है माध्य में, क्या दे रखा है बच्चों, 25, एफ एक्स का मान है 940 बट्टे 35 और बट्टे में क्या है 44 पी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, तिरछे गुणा करोगे, 940 प्लस 35 पी 44 गुणा 25, ठीक है, गुणा कर दोगे 25 को 44 से गुणा करोगे तो ये 1100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 25 पी, पी को एक तरफ रखो बाकी सबको एक तरफ, ठीक है। तो देखो बेटा ये 35 पी है, ये प्लस का 25 पी इधर के माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा 940, तो यहाँ से बचेगा 10 पी और इधर से बचेगा 160, 10 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 16 बार जाएगा, तो पी का मान कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे निम्नलिखित बारंबार सारणी का माध्य विचलन विधि से ज्ञात कीजिए, पग विचलन विधि, जिस विधि से बोला जाए बच्चों उसी विधि से ही निकालना है वरना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो माध्य निकालना है, निकालते हैं, एग्जाम में माध्य का बहुलक माध्य यहाँ इनमें से क्वेश्चन तो आना ही आना है, माध्य का तो हर बार आता है, बहुलक या फिर माध्य में से एक क्वेश्चन आता है, तीन में से दो टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। और एमसीक्यू वाले पार्ट मैंने अलग से करा रखे 40-50 क्वेश्चन एक वीडियो में, ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनको जरूर देख लेना, ठीक है। तो देखो बच्चों पग विचलन विधि से हमें करना है, तो हम पहले क्या बनाते हैं, टेबल, यहाँ पर वर्गंतराल आएगा, यहाँ पर बारंबारता आएगी, यहाँ पर एक्स आएगा, फिर डी आएगा डी और फिर आएगा एफ डी, इतने सारे कॉलम आपको चाहिए, ठीक है ना। मैं पटरी पटरी से खेलने चलने का टाइम नहीं, जल्दबाजी में बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्गंतराल, यहाँ आपकी बारंबारता, यहाँ वर्ग चिन्ह एक्स, फिर आपका डी चाहिए होता है एक्स माइनस ए,
और फिर नेक्स्ट कॉलम आपको चाहिए होगा एफडी का। किस विधि में कितने कॉलम चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो यहां पर क्या है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और है 35 से 40। ठीक है, इधर एफ हम उसके समक्ष दे रखा है 5, 6, 8, 12, 6, 3। एक्स निकालने देखो बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। ठीक है, सो देखो कितना आ जाएगा, 25 25 का आधा कितना होता है 12.5। अब देखो सब में वैसे 5 5 का अंतर है, 5 5 इसमें जोड़ दे जाओ, ये आ जाएगा 17.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो 22.5, फिर 5 जोड़ेंगे तो 37.5, फिर 5 जोड़ेंगे तो ये 22 में जोड़ेंगे तो 27 होगा ना, 27 में जोड़ेंगे तो ये 32.5, 32 में जोड़ेंगे तो ये 37.5। ठीक है, ए हमारा क्या होता है, यहाँ टोटल लिखते हैं कुल, ए हमारा क्या होता है, ठीक है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कैसे निकाला जाता है बच्चों, ए बराबर होता है n/2 पद एक्स में, एन कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/2 यानी कि तीसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कल्पित माध्य ए बराबर, ठीक है, एक्स में आपने तीसरा पद लेना है ये, हालांकि हमने कैलकुलेशन से लिखा है लेकिन यहाँ माना करना पड़ता है, मान के लिखना पड़ता है 22.5। ठीक है, तो हर एक एक्स में से आपको 22.5 घटाना है, घटाते हैं 12.5 में से 22.5 जब घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, माइनस के 10 बचेगा। ठीक है, तो सब में 5 5 का अंतर है, 5 5 जोड़ दे जाओ, वैसे घटाओगे तो वही आना है, तो ये आ जाएगा माइनस के 5, फिर 5 जोड़ोगे 0, फिर 5 जोड़ोगे, फिर 5 जोड़ोगे 10, फिर 5 जोड़ोगे 15, और ये डी है और ये एफ गुणा करो 50, 5 6 30, चिन्हों का विधान 0, 12 5 60, 10 6 60 और 15 3 45, ये प्लस के हो गए, ये माइनस के, ये माइनस के हो गए 80 और ये 120, 165 हो गए प्लस के, 165 में से 80 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ डी 85, और सिग्मा एफ कितना है आपका जोड़ोगे तो ये है आपका 40। ठीक है, और सूत्र लगाना है आपको, माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, यही सूत्र होता है। ए का मान हमारे पास है 22.5 और सिग्मा एफ डी हमें मिला 85 और ये है 40। ठीक है, तो भाग देंगे 40 से 0.2 स्थान तक, तो 2.13 बार जाएगा, 40 × 80 ना, 0.2 स्थान तक जाएगा, इसमें जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 2 2 4, ठीक है, 5 24.5 है ना, 5 और ये 6 हो जाएगा 24.63, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जिस विधि से बोला जाए एग्जाम में उसी विधि से क्वेश्चंस करने, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक है बेटा, ये माध्यिका का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमने जस्ट माध्यिका निकाला था, थोड़ी देर पहले निकाला, अभी अब तक हमने माध्यिका का क्वेश्चन निकाला था ना, थोड़ी देर पहले n/2 करके क्वेश्चन नंबर 9 अभी थोड़ी देर पहले किया था, देख रहे हो डिक्टो ये क्वेश्चन है, उसी तरीके से मिलता जुलता। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, इसे खुद से कीजिएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है मुझे, आपको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। एग्जाम में बेटा जो चीज़ आएगी उसी हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया है, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन कभी आते ही नहीं है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। ठीक है, जीवन काल 0 से 20 10 है, 20 से 40 35 है, तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, सो बहुलक
के ज्ञात करने से पहले आप पहले देखेंगे वर्ग अंतराल, 0 से 20, 20 पे समाप्त हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है। सही है बिल्कुल, ठीक है, तो ये चीज सही है बिल्कुल। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं बहुलक निकालने के लिए, है ना। तो ये देखो सबसे बड़ी बारंबारता 61 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा F1, इसके जस्ट बाद वाला क्या होता है F2, और इससे जस्ट पहले वाला क्या होता है F0, और F1 के जो ऊपर वाला कॉलम होता है ये हमारा क्या होता है बहुलक वर्ग, ये हमारा क्या होता है बहुलक वर्ग, है ना। यानी कि हमारे पास क्या है, चूंकि जो हमारे पास निम्न सीमा है L बहुलक वर्ग की वो 60 है, कितने कितने का अंतर है सब में, 20 का अंतर है। F1 हमारे पास 61 है, F0 हमारे पास 52 है, और F2 हमारे पास कितना है 38 है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत आसान होता है बहुलक, बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ये सूत्र होता है, मान रखेंगे एल का मान 60 है, F1 का मान कितना है 61, F0 का मान 52, ठीक है। H का मान कितना है हमारे पास 20, 2F1 2 गुणा 61, फिर F0 हमारे पास, अरे यार F0 52 है ना, F1 माइनस F0, ये F0 है, ठीक है, 52 ठीक रखा है। फिर आपका F0 आ जाएगा, F0 कितना है बच्चों 52, और F2 है 38, ठीक हो गया। इसके आगे हल करते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा, 9 गुणा 20, यहाँ से देखो आ जाएगा 122, ठीक है, और ये हो जाएगा 90, ठीक है। 122 में से आपको घटाना है 90, तो कितना आ जाएगा 32, ऊपर आ जा रहा है कितना आपका ये 180, नीचे कितना बचा 32, काट सकते हो, 2 एक कम 2, 2 संग 12, 2 नम 18 0, और कटेगा आप इसे काटिए, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 5 10, ठीक है ना। अब आपके पास 45 बचा, उसको भाग दे दीजिए 8 से, 10 अनों के 2 स्थान तक भी दे सकते हो, पूरा जा रहा है, पूरा भी दे दूँ, तो जब 8 से काटोगे इसको, ठीक है, 8 45, 5.625 जाएगा, जोड़ देंगे 60 में ये चीज़, तो आंसर आ जाएगा 65.625, ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुलक का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको आराम से समझा के बता दिया। कोई डाउट है तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके NCERT का है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है और इसके पीछे और एक है, ये तो डायरेक्ट प्रश्नावली का और एक उदाहरण का होगा, ऐसा ही क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग आ ही जाता है, ठीक है, तो इसको अब हम करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, देखो बेटा हमसे बोला गया, दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्यक, जिसे माध्यिका भी कहते हैं, वो हमें 28.5 दे रखा है, एक्स और वाई के मान, है ना, एक्स और वाई, ये जो वाई है और ये जो एक्स, इसके मान ज्ञात करने, जबकि बारंबारता का योग 60 है, ठीक है। बारंबारता दे रखी है, यानी कि संचयी बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी, माध्यक की बात हो, आपको माध्यक दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, और उसके बाद चाहिए अपन को संचयी बारंबारता, ठीक है, 3 कॉलम चाहिए होती है माध्यक निकालने के लिए, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है आजकल, आज के टाइम में इस सब, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद यहाँ बारंबारता आता है, वर्ग अंतराल बारंबारता, और फिर आता है संचय बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 पे समाप्त हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, सब कुछ सेट है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर 50 से 60, ठीक है। पहला दे रखा है 5, फिर एक्स, फिर 20, फिर दे रखा है 15, फिर है वाई, और फिर 5, इन सबका जो योगफल दे रखा है वो 60 दे रखा है, ठीक है, इनका जो योगफल आएगा ना वो 60 आएगा, ये पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में। अच्छा जी,
संजीव का नंबर तो कैसे बनते, पहला वाला वैसे के वैसे आ जाते हैं। पाँच में क्या जोड़ेंगे, एक्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पाँच प्लस एक्स। बीस में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा पच्चीस प्लस एक्स। पच्चीस में पंद्रह जोड़ोगे तो ये हो जाएगा चालीस प्लस एक्स, ठीक है। चालीस प्लस एक्स में वाई जोड़ोगे तो ये हो जाएगा चालीस प्लस एक्स प्लस वाई। फिर पाँच जोड़ोगे तो ये हो जाएगा पैंतालीस प्लस एक्स प्लस वाई। आप जानते हैं जो यहाँ होता है वो यहाँ होता है ना। संचय पारंपरता बनाने का एक नियम है ये कि यहाँ पे जितना योगफल आता है ना वो लास्ट में यहाँ पे भी आता है, टोटल या कुल जो लिखना चाहो यहाँ पर। चूंकि 45 प्लस एक्स प्लस वाई आपका क्या है 60 है, तो प्लस के 45 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 45, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना है बेटा, घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उपयोग कर लूँगा, ठीक है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, माध्यक दे रखा है, माध्यक या माध्यिका जो बोलना चाहो आप, ठीक है। माध्यक कितना दे रखा है 28.5, और ये 28.5 किस वर्ग अंतराल में मिलेगा तुम्हें बताओ, बताओ किस वर्ग अंतराल में मिलेगा, इस वर्ग अंतराल में मिलेगा 28.5। 20 से 30 है ना वर्ग अंतराल में है, ठीक है। इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, निम्न सीमा 20 है। कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है, ठीक है। इसी के सीध में हमें जाना होता है, तो ये मेरा एफ और इसके जस्ट ऊपर वाला ये मेरा क्या हो जाएगा सी एफ, है कि नहीं। मेरे पास जो एफ होगा वो होगा 20 और जो मेरा सी एफ होगा वो हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ठीक है। माध्यक या माध्यिका सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बट्टे दो माइनस का सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ, यही होता है फॉर्मूला। रखिए मान, एल का मान कितना है हमारे पास 20, माध्यक दे रखा है 28.5, एन बट्टे दो कितना है, एन है 60 बट्टे में दो, सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स, माइनस अंदर गुणा कर देंगे माइनस 5 माइनस एक्स हो जाएगा। एच का मान है 10, एफ का मान कितना है 20, 10 दूनी 20 काटोगे तो ये आ जाएगा 20, ये ऊपर यहाँ से आ जाएगा बच्चों 30 माइनस के 5 माइनस के एक्स बट्टे में दो, प्लस का 20 इधर के माइनस हो जाएगा 28.5 से 20 घटा देंगे और 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 माइनस के एक्स बट्टे दो, यह आ गया 8.5 बट्टे का दो इधर के गुड़े में आ गया माइनस के एक्स इधर के प्लस का, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ यार, प्लस का हो गया ये क्या बचा 25, 8.5 दूनी 17, प्लस का 17 इधर के माइनस का हो गया, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है। एक्स के मान को उठाकर यहाँ रख दीजिए, एक्स प्लस वाई आपका 15 है, एक्स का मान आप यहाँ 8 रखेंगे, प्लस का 8 उधर के माइनस का हो जाएगा, तो वाई का मान आपको कितना मिल गया 7, ठीक है। आराम से हो गया, कोई क्वेश्चन कोई डाउट कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया है। क्यों, अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ये वाला जिसके बात करो, डिक्टो सेम जैसा क्वेश्चन अभी आपने किया ना, डिक्टो सेम वैसे ही। अब माध्यक की जगह 525 है, अब वहाँ 60 दे रखा था, यहाँ 100 दे रखा है, इसमें भी आपको एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, बताइए कर लोगे। उदाहरण का प्रश्न है, ये भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अगर अब सपोज करो बाय द वे दिक्कत हो रही है, वैसे होना नहीं चाहिए, अगर पिछला वाला सीख गया तो ये आप खुद कर लोगे, अगर नहीं हो पाता है तो कल ही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था एक वीडियो में, ठीक है। 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराए थे ना, वो वीडियो के लिंक्स पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका जो आखिरी क्वेश्चन है वो यही कराया था मैंने, आप जाके देख लेना, ठीक है। वैसे हो जाना चाहिए, अगर ये हो गया है तो ये भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ फर्क नहीं है, खाली नंबर का फर्क है ना, और बल्कि ये और आसान है, ठीक है। ध्यान रखना बारंबारताओं का योग दे रखा है, इन सबको जोड़ूंगा तो 100 मिलेगा, ठीक है। वो इन सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, यहीं पे बना देना आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बेटा एक खुद जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके अंदर, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हें ही देना है पेपर, मैं तो नहीं जाऊँगा ना एग्जाम देने, तुम्हें ही जाना है। अब आते हैं अगले प्रश्न में,
इसमें भी आपको माध्यक ही निकालना है, लेकिन थोड़ा सा जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है देखो बेटा, इसमें क्या है कि कक्षा 10 के 51 लड़कियों की ऊंचाई है, टोटल विद्यार्थी 51 है, आपको यहीं पे 51 दिख गया है, यहाँ लिखा लड़कियों की संख्या, ठीक है। सो इसका मतलब है इसमें आपको बारंबारता नहीं दिया हुआ है, आपको संचयी बारंबारता दे रखा है ये, और आपको बारंबारता निकालनी पड़ेगी, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा है, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपको माध्यक ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसको भी वर्णताल में बनाना पड़ेगा, ये भी नहीं है प्रॉपर, 40, 45, 50, 55 ये चीज़ें, यानी कि ये क्या है बेटा, सब में 5-5 का अंतर है, तो ये वर्णताल कैसे बनाया जाता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना बेटा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखें, सेलेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले वर्ग अंतराल, ठीक है, फिर यहां पर बारंबारता आती है और यहां पर संचयी बारंबारता आती है, ठीक है। पहला वाला वैसे का वैसे लिखोगे 140 से कम, ये नहीं बदलेगा। उसके बाद क्या है, 145 है, तो यहां लिख देंगे 140 से 145, फिर लिखेंगे 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, ठीक है, यहाँ तक है बस। एफ निकालना है, सी एफ हमें दे रखा है, पहला वाला 4, फिर 11, फिर 29, फिर 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 के बाद 46 और फिर 51, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला कैसे निकालते हैं, पहला वाला वैसे का वैसा रहेगा, जब सी एफ से आप एफ निकालोगे ना, अरे यार 4 है, मैं 5 लिख दे रहा हूँ, 4 पहला वाला वैसे रहता। अब जब एफ से सी एफ निकालते हैं तो जोड़ते हैं, अब इसमें से घटाना है, 11 में से 4 घटाओगे 7, 29 में से 11 घटाओगे 9 में से 1 गया 8, 2 में से 18, 40 में से 29 घटाओगे 11, 46 में से 40 घटाओगे 6, 51 में से 46 घटाओगे 5, सिंपल, सी एफ से एफ निकल गया, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देना है। अब इन सबको तुम जोड़ के देखोगे तुम्हें 51 मिल रहा होगा, जो कि हम उसे क्या बोलते हैं एन, यहाँ पे भी 51 है, यहाँ पे भी 51 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला पद हम क्या करते हैं, एन बाई टू देखते हैं, एन बाई टू 51/2, यानी कि 2 2 4, 2 5 10, 2 5 25 से ज़्यादा, 25.5 से ज़्यादा, यानी कि तीसरे नंबर पर सी एफ में, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पर और यहाँ पे भी तीसरे नंबर पर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, हमारे पास मिल गया माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग 145 से 150, तो एल हमारे पास क्या है, निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 145 है, कितने कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, ये मेरा क्या है बेटा एफ है, एफ मेरे पास 18 है और इसके ऊपर वाला हमारा क्या होता है सी एफ, सी एफ मेरे पास 11 है, ठीक है। अब सूत्र में आ जाओ, माध्यक निकालना है, माध्यक या माध्यिका, एल प्लस एन बाई टू माइनस के सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ, ठीक है। मान रखते हैं एल का मान क्या है बेटा हमारे पास 145, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे मान रखते हैं तो एन बट्टे दो 25.5 आया था, सी एफ, सी एफ का मान है 11, एच का मान कितना है हमारे पास 5, और एफ का मान कितना है 18। आगे हल करते हैं, घटाओगे ये आ जाएगा 14.5, ठीक है, 14.5 गुणा 5 बट्टे 18, 14.5 को गुणा कर दो बेटा 5 से, 142, ये आ गया, इसको गुणा करोगे तो 725 आ जाएगा, 5 से जब गुणा करेंगे 10.18, ठीक है। जो आया है 72.5 उसको भाग देना है आपको 18 से, 10 के 2 स्थान तक दे लो, ठीक है, 8 चौके 72, तो 4 बार तो जाएगा ही जाएगा, 8 चौके 72 4 बार जाएगा, 0 लगाएंगे, 18 36, 10 के 2 स्थान तक ले लिया, जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 149,
0.02 लगभग आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी ज़रूर करना है, एनसीईआरटी पूरी करनी है। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, पूछा जाता है पिछले 10 साल में 1-2 बार ही पूछा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बता चुका हूँ। तोरण का एक क्वेश्चन ज़रा देख लीजिएगा, प्रश्नावली 14.4 का जो 3 क्वेश्चन है ना उसमें, तो एक ज़रा देख लीजिएगा बेटा तोरण से, बहुत ना के बराबर पूछा जाता है, 10 साल में 1-2 बार ही पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, वैसे पूछा नहीं गया, पिछले साल भी नहीं पूछा गया था, उससे पिछले साल भी नहीं पूछा गया था, बट एक बार फिर भी देख लेना। बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि बेटा एनसीईआरटी जो प्रश्नावली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैंने करा रखा है पूरा एक एक क्वेश्चन, जिसकी लिंक्स मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन, उसको भी जरूर देख लेना। ठीक है, ठीक। और अगर कोई भी चीज आपको दिक्कत कर रही है, समझ में नहीं है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए वो भी हमें बता सकते हैं। अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर दें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।